Welcome back to this channel. In this video, we will talk about the case of Lakshmi versus UOI. And if you want to check out the case in a descriptive manner, please check out the link in the description. इस केस के बैकग्राउंड में ये होता है कि जो इस केस की मेन पेटिशनर होती हैं, उन पर एक एसिड अटैक होता है और वो करते हैं उनके लोकल के एक आदमी जिनका नाम होता है गुड्डू, और वो उन पर अटैक इसीलिए करते हैं क्योंकि जो लक्ष्मी होती हैं, उन्होंने गुड्डू से शादी करने के लिए मना कर दिया होता है। और फिर जब ये केस जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो वो उनको सजा सुना देते हैं और फिर तब तक कन्विक्ट अपनी प्ली लेके हाई कोर्ट जाते हैं और वहां से बेल पा लेते हैं। अब जब लक्ष्मी को ये बात पता लगती है तो उनको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि तब तक उनकी सारी सर्जरीज भी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि लक्ष्मी को एसिड अटैक से बहुत सारी इंजरीज आई थी पूरे चेहरे पे और उनकी पूरी अपर बॉडी पे, और उनका फेस भी रिगेन नहीं हो पाया था बहुत सारी सर्जरीज होने के बावजूद, क्योंकि एसिड की वजह से वो पूरा मेल्ट हो गया था। तो इसीलिए लक्ष्मी जी अपनी रिट पिटीशन लेके गई सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके ये बोला कि कैसे ही किसी भी आदमी को हाई कंडेंसिटी का एसिड बहुत आराम से मिल सकता है और कैसे ही वो किसी पे भी उस एसिड से हमला कर सकता है। ऐसे ही एसिड का हमला होने के बाद जो विक्टिम होता है उसको मेंटल, फिजिकल और हर तरह का टॉर्चर मिलता है, लेकिन कैसे ही वो कन्विक्ट को बेल मिल जाती है। तो उन्होंने कोर्ट से ये अपील किया कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए और एसिड की अवेलेबिलिटीज पे लॉ बनाइए, क्योंकि ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कमिटीज बनाई बहुत सारी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन कमिटी से ये बोला कि आप इन सारी सिचुएशंस को एनालाइज करिए और एक सॉल्यूशन लाइए सुप्रीम कोर्ट के पास। तो उन कमिटीज ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि ये एसिड अटैक्स मोस्टली यूपी, एमपी, गुजरात और दिल्ली में होते हैं और इन अटैक्स की फ्रीक्वेंसी बहुत है, क्योंकि एसिड बहुत ही आसानी से अवेलेबल है मार्केट में। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद सेक्शन 376A किया सीआरपीसी में, जो कि कंपनसेशन बताता है एसिड अटैक सर्वाइवर्स की। सेक्शन 326A, सेक्शन 326B आईपीसी में ऐड किया, विच इज रिलेटेड टू स्पेसिफिकली एसिड अटैक्स। और सुप्रीम कोर्ट ने मिनिमम कंपनसेशन एसिड अटैक सर्वाइवर्स की 3 लाख रुपए रखी। सुप्रीम कोर्ट ने ये और कहा कि कोई भी हॉस्पिटल एसिड अटैक्स विक्टिम को ट्रीटमेंट देने से मना नहीं कर सकता है। तो इस केस में इतना ही। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस केस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।